हैं राम पुनियानी सर, मैं प्रोफेसर डॉटनेट से मुदस्सिर था। सर आप बताइए कि देश में जो अब फसाद हो रहे हैं हर जगह बंदाश और हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है, क्या जिम्मेदार आप किसको ठहराए? देखिए आज जो देश में फसाद हो रहे हैं उसमें सबसे मुख्य कारण तो आरएसएस के चलाए हुए ऑर्गेनाइजेशन है। सांप्रदायिक राजनीति इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसकी एक जिम्मेदारी सरकार पे भी आती है कि सरकार ऐसे मौकों पे जो काम करना चाहिए वो सरकार वो नहीं करती। कुछ कुछ सरकार के अंदर जो अवसरवादी लोग हैं ढुलमुल नीति अपनाते हैं, वो भी एक कारण है कि दंगे होते हैं और दंगे चलते रहते हैं। पर डेफिनेटली मुख्य कारण तो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो जिनका प्लानिंग है कि सांप्रदायिक दंगे बढ़ेंगे तो उनकी ताकत बढ़ेगी और उसके माध्यम से वो सरकार वो आगे अपनी राजनीतिक ताकत भी बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, और जो मुस्लिम नौजवानों को पकड़ा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है टेररिज्म के मामले पे, उसके बावजूद भी बम ब्लास्ट हो रहे हैं आज हिंदुस्तान में और ऊपर से बिहार के मुसलमान जो नौजवानों को अरेस्ट किया जा रहा है सबसे ज़्यादा, इसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये जो मुसलमान नौजवानों को हर एक बॉम्ब ब्लास्ट के बाद पकड़ा गया, मालेगांव, अजमेर, मक्का मस्जिद, समझौता, वो सब में किसी में कोई सबूत नहीं मिला। और उस समय दो बातें हुई, एक तो बेगुनाहों को पकड़ा गया, गुनाहगारों की तरफ नज़र नहीं गई, पुलिस और यंत्रणा इस पूर्वाग्रह से काम करती रही कि सभी आतंकवादी मुसलमान होते हैं, इस पूर्वाग्रह से बायस से काम करती रही। ये बायस अपने आप में गलत है क्योंकि स्वामी असीमानंद ने अपने मजिस्ट्रेट के सामने जो कन्फेशन दिया उसमें उन्होंने पूरा बताया कि हिंदुत्व आतंकवाद की वो कैसा मानते थे कि बॉम्ब के बदले बॉम्ब चाहिए और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट करना ज़रूरी है, ये उन्होंने खुद भी स्वीकार किया है। और जितनी पूरी जांच हेमंत करकरे ने की थी उस हेमंत करकरे की जाँच में ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि इस प्रकार के संगठन हैं जो हिंदू राष्ट्र के लिए और बॉम्ब का बदला बॉम्ब देने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम किए, उसमें बहुत सारे प्रकार के लोग शामिल थे, वो लोग आज जेल में हैं। तो ये तो बहुत गलत हुआ है हमारे राज्य की तरफ से कि बेगुनाह लोगों को पकड़ा गया और यहाँ बायसेस के आधार पे पुलिस ने काम नहीं करना चाहिए। यहाँ अंग्रेजी में एक शब्द है प्रोफेशनलिज्म के आधार पर अगर पुलिस काम करेगी तो निश्चित रूप से वो सच्चे आतंक जो रियल में मुसीबत कर रहे हैं उनको पकड़ेगी और बेगुनाह लोगों को परेशान नहीं करेगी। और जो जेल में कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले कपिल सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अब देखिए ये सब चीज़ें बहुत क्लियर कट कहना तो मुश्किल है पर ये पूरी इसके साथ जुड़ी हुई है कि पुलिस का रवैया क्या है और कैसे कुछ लोगों को बचाया जा रहा है, कुछ लोगों को बेगुनाहों को सामने ढकेला जा रहा है। ये उसी रवैये के चलते हुए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थैंक यू।